इंदौर जिले के बेटमा में शिव और शक्ति के आराधना का पर्व महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का नगर के मंदिरों में आकर्षक श्रृंगार किया गया। विभिन्न स्थानों पर संगठनों और श्रद्धालुओं द्वारा फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया, साथ ही दूध की मिठाई का वितरण भी किया गया। नगर के प्राचीन रेवा कुंड मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं थाना परिसर स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर पर भी फूलों का आकर्षक बंगला सजाया गया, जहां शाम की आरती थाना प्रभारी DPS चौहान ने की, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर समस्त थाना स्टाफ मौजूद रहा। इसके साथ ही प्रसिद्ध बदीपुरा बालाजी मंदिर पर महाकाल ग्रुप द्वारा खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस उपलक्ष्य में मैं पोप सिंह मालवी और महाकाल मित्र मंडल की तरफ से आज महाप्रसादी खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे बेटमा वासियों को, ग्राम पर बदीपुरा के सभी जनता को मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बालाजी भक्त मंडल बेटमा द्वारा यहाँ महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जिसके साथ में यह कार्यकर्ता द्वारा शिवरात्रि नहीं बल्कि हनुमान जयंती का भी कार्यक्रम यहाँ बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें बाबा का भंडारा भी होता है। इसी प्रकार से दुर्गा महारानी भी यहाँ पर विराजमान है। नवरात्रि में भी तन मन धन के साथ यहाँ पर सेवा होती है। आज सुबह से रुद्र अभिषेक प्रारंभ रहा, उसके बाद संध्या शयन आरती के बाद खिचड़ी प्रसादी यहाँ पर वितरण जी। सर बताइए आज की महाशिवरात्रि के बारे में क्या व्यवस्था रही आपकी? आज शिवरात्रि देवार को लेके कस्बा बेटमा में एक शिव बरात का आयोजन किया गया था, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। कस्बे के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर फिक्स पिकेट लगाए गए हैं। रेवा कुंड पर बालाजी बदीपुरा बालाजी पर भी व्यवस्था लगाई गई है। खैरियत है और कहीं से कोई अप्रिय घटना के समाचार वगैरह? हाँ, अभी तक बिल्कुल खैरियत है, शांतिपूर्ण चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।